नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी और आप देख रहे हैं दिल्ली 99। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के टॉप एथलीट्स हरियाणा सरकार से नाराज चल रहे हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने इनके लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। वो हरियाणा सरकार से नाराज हैं और नाराज होने की वजह भी साफ है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने इन सभी एथलीट्स के लिए जो कॉमनवेल्थ गेम में जीत कर आए हैं उनके लिए एक प्राइज मनी की घोषणा की थी, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने उस प्राइज मनी में कटौती करने का मन बना लिया है, जिसके चलते ये एथलीट हरियाणा सरकार से नाराज है। दरअसल हरियाणा सरकार की नीति के मुताबिक हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि जो एथलीट इसमें जीतेगा, जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसे 1.5 करोड़ रुपए सरकार देगी और जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसे 75 लाख देगी, तो वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 50 लाख मिलेंगे। लेकिन अब हरियाणा सरकार का कहना है कि इन खिलाड़ियों में से जो खिलाड़ी आर्मी या फिर रेलवे विभाग में काम करते हैं वहाँ भी उन्हें प्राइज मनी दी जाएगी, लेकिन जो प्राइज मनी उन्हें वहाँ पर दी जाएगी उसमें से जो राज्य सरकार देगी वो प्राइज मनी कट कर दी जाएगी। यानी कि अगर किसी खिलाड़ी को सरकार गोल्ड मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ रुपये देती है, अगर किसी विभाग से उसे 50 लाख रुपये मिलते हैं तो उसके बाद हरियाणा सरकार सिर्फ उसे 1 करोड़ रुपये देगी। तो हरियाणा सरकार ने यहाँ खिलाड़ियों की जो प्राइज मनी है उसमें कटौती कर दी है और इसके बाद खिलाड़ी नाराज हैं। कांस्य पदक जीतकर आए मनोज कुमार का कहना है कि किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे कि हमसे GST वसूला जा रहा हो। अब सवाल ये कि अगर हरियाणा सरकार ने ऐसी घोषणा की थी, इतनी राशि की घोषणा की थी, तो फिर उसमें आखिर कटौती क्यों कर रही है? और अधिक खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।